अब आज काम टीवी देख रहे सारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हुण असीं अज दीआं मुख खबरां ते इक नज़र मारदे हां। लोगों के लगातार महंगाई का बोझ वधदा जा रहा है। कदे पेट्रोल, कदे सिलेंडर अते कदे खाण पीण दीआं वस्तां दे रेट वध रहे हैं। हुण चंडीगढ़ वालिआं नूं इक होर चीज़ ते महंगाई की मार झलनी पवेगी। पानी का बिल अप्रैल तों 3% वध जाएगा। पिछले साल सितंबर में प्रशासन वालों जारी नोटिफिकेशन के अनुसार हर साल अप्रैल महीने में पानी के बिल में 3% का वाधा होगा। अजिही स्थिति में अगले महीने तो शहरियों की जेब से एक होर बोझ वधन वाला है। पानी दीआं वधीआं कीमतां दे प्रस्ताव नूं पास करन तों बाद भाजपा ने जवाबी कार्रवाई करदिआं कहा सी कि पानी दीआं दरां विच सोध की जाए। इस दौरान निगम कमिश्नर के यादव ने मीटिंग की कार्रवाई में टिप्पणी की सी कि निगम नूं हर साल करोड़ों का घाटा सहना पै रहा है। कीमत वधाए बिना घाटे नूं पूरा नहीं किया जा सकता। जदों यह प्रस्ताव प्रशासन के कोल पहुंचा तां सदन वल्लों यह पुछण लई जवाब मिलिया कि कमिश्नर की टिप्पणी अनुसार कारपोरेशन के होए नुकसान नूं किवें पूरा किया जाएगा। इसके लिए निगम 9 मार्च में सदन में विचार वटांदरे करन जा रहा है। पानी दीआं वधीआं दरां बारे नोटिफिकेशन सितंबर महीने में जारी किया गया सी। पानी की कीमत वधाउण दे नाल नाल हर साल 3% के वाधे का नियम भी लागू किया गया सी। इस दे अलावा सीवरेज सैस 10 रुपए प्रति टॉयलेट सीट तो वधा के 30% कर दिता गया। लोग अजे भी वाधे वाले पानी के बिल के हिसाब को समझ रहे थे कि अप्रैल महीने तो कीमतों में एक बार फिर वधन जा रही हैं। पंजाब विधानसभा में बजट पेश किए जाने तो पहला साबका मंत्री और कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक वीडियो साझा करते हुए सिद्धू ने दोष लगाया है कि पंजाब का 1% मालिया लोगों की जेब में जा रहा है, जिसनों सूबे के 99% लोग चल रहे हैं। सिद्धू वालों साझी की गई वीडियो में उन्होंने कहा है कि इस साल पंजाब के 2.48 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो जाएगा। यह रकम सरकारी अदारों के कर्जे समेत 3.5 करोड़ पहुँचेगी। उन्होंने कहा कि सरकार को मालिया मिल रहा है पर यह निजी हाथों में जा रहा है। नवजोत सिद्धू ने सरकार के कामकाज से सवाल उठाते कहा कि पंजाब सरकार का कुल मालिया 32,000 करोड़ रुपए है, जो कि तमिलनाडु की आबकारी तो आमदन 32,000 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि जो तुम शराब का कारोबार करना चाहते हो तो इस तो होने वाली आमदनी सिक्ख्या से सेहत के खेत में खर्चा करना चाहिए। यह पैसा निजी हाथों में नहीं जाना चाहिए। उन्होंने अगे कहा कि पंजाब रोडवेज ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन 500 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही है, जो कि बादल परिवार ने 2 कंपनियों तो 8 कंपनियां खोल दिखाई ने। उन्होंने सूबे में माइनिंग तो होने वाली आमदनी का भी जिक्र किया। रेत और माइनिंग माफिया से भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। किसान अंदोलन के चलदे किए गए विरोध के बावजूद जींदे पिंड सेवाहा में करवाए गए भंडारे में JJP के विधायक को बुलाने तो वड्डा हंगामा हो गया। इस गल ते विवाद में फायरिंग होने की खबर है। 7 लोग जख्मी हो गए हैं। विधायक को बुलाने कारण पैदा हुए विवाद में 2 तरह में डांगा चलिया। सूचना मिलने ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस घटना में एक पक्ष वालों गोलियां चलाने की भी सूचना मिली है। दरअसल किसान अंदोलन के कारण पिंड वाले ने BJP और JJP लीडर का बाइकाट किया हुआ है। अजिहे प्रोग्राम करवाए जाने तो बाद 2 पक्षों में लगातार विवाद चल रहा है। इस मामले में लेकर 2 पक्षों में कई बार पंचायतों का दौर भी चलिया पर कोई समझौता नहीं हो सकता। इस मामले में लेकर अज 2 पक्षों के जम के विवाद होया। खूब डांगा चलिया जिस में 2 पक्षों के कुल 7 लोग जख्मी हो गए हैं। एक पक्ष में 4 और दूजे 3 जख्मी हुए हैं। सारे जख्मियों को तुरंत जींद के सिविल अस्पताल में लिया गया जिथे हुण उन्हां दा इलाज चल रहा है। पछमी इराक में एयरफोर्स के एक बेस से राकेट के नाल हमले में एक अमरीकी ठेकेदार की मौत हो गई। US डिफेंस हैडक्वाटर पेंटागन ने कहा कि हवाई सेना के बेस से 10 रैकेट दागे गए जिथे अमरीकी और होर गठजोड़ दी फौजा तैनात ने। पेंटागन के बुलारे जॉहन किरबी ने कहा कि ठेकेदार को दिल का दौरा पिया, उस तो थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई। हमले में कोई भी सैनिक जख्मी नहीं होया है। अमरीका ने पिछले हफ्ते में इराक सीरिया सरहद के ईरान के संबंधित एक मिलिशिया निशाना बनाया थे। मिलिशिया के एक मैंबर मार दिता से। उस तो बाद पहला हमला है। खासा जताया जा रहा है कि जवाबी हमले का दौर मुड़ शुरू हो सकता है। उन्होंने हमले में अमरीकी ड्रोन के हमले में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी बगदाद में मारा गया सी। बुधवार को किसी ने हमले की जिम्मेवारी नहीं ली। यह हमला अजे समय हुआ जब पोप फ्रांसिस 2 दिन बाद देश का दौरा कर जा रहे सन। अज इतिहासक पिंड कुठाला विखे पुरातन लड़ीवार हथलिख के दमदमा साहब वाले श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के जो स्वरूप गुरु गोबिंद सिंह जी ने भाई मनी सिंह तो दमदमा साहब विखे लिखवाए सन। उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पुरातन मर्यादा अनुसार 25 सिंघां की हाजरी में श्री अखंड पाठ साहब के भोग पाए गए। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। अज असी बड़े कल्लूकारे दे महान योधे सिंह साहब जथेदार शहीद बाबा सुद्धा सिंह जी मिसल शहीदा तरना दल श्री बाबा बकाला जी के याद में बने स्थान गुरद्वारा साहब जी शहीदी पिंड कठाला तो सारियां संगतां दा धन्नवाद करदे हां जो कि अज इस स्थान ते उस साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज द्वारा लिखाए हुए साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे
अखंड पाठ साहिब दे भोग पाए गए ने। सारिया संगतां दूरों नेड़ों इत्थे बहुत ही पहुंचिया, सारिया संगतां ने नतमस्तक हो के अपना जीवन सफला किया। सारिया संगतां दा असीं प्रबंधक कमेटी वालों नगर निवासियों वालों बहुत बहुत धन्यवाद करते हाँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी, सत श्री अकाल भाई सारयां नूं, देखण सुनण वालयां नूं। इस गुरद्वारे साहब का इतिहास इस तरह हैगा, जो 1762 दे विच वड्डा घल्लूघरा होया, कोपर हीड़े दा करके मशहूर आ। उदों बाबा सुधा सिंह जी महाराज जी का सरूप लैके इत्थे आ गए सीगे। 19 सिंह शहीद हो गए सी, जिन्हां दा इत्थे अंगीठा साहब हैगा बणिया होया। बाबा सुधा सिंह जी ने यह सरूप चिंतानंद जी दे पुरखिया नूं संभालिया सी, जिहड़े कि सन्यासी साधु सीगे। उन्हां ने बड़ी संभाल करके रखी, पर उस समय पता नहीं सी उन्हां नूं बई किस तरह हिस्टरी हैगी आ, किस तरह संभाल करनी आ। ये फिर आस कमेटी ने, प्रबंधक कमेटी बड़ी उद्यम वाली आ, इन्होंने बड़ा उपराला करके गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ किए, शुद्ध किए, तो सारे इन्हों इतिहास आ जिहड़ा कि साडे पंजाबियों नाल जुड़िया होया बहुत चिर तो, पता ही नहीं सीगा। अजे हुण तुहाडे राही सारियां नूं इहदा पता लग जूगा। बड़े धन्नवादी हाँ जिहड़े तुसीं टाइम कढ के इत्थे आए, बड़ी मेहनत कीती। किताब मैनूं जदों मैं पहले मैनूं पहलां पता नहीं सीगा, क्योंकि किरदे आए हुए ने गुरु साहिब तां इत्थे इत्थे पता लग्या हुणी 2 साल पहलां। जदों पता लग्या तां फिर इन्हां नूं पुछिया भी कोई इतिहास है लिखिया होया इहदा, ते इह कहिंदे जी साडे कोल तां इक पुरानी किताब हैगी आ ਬਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਉਹ 'ਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੱਥ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਬੜੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਕੋਪਰ ਹੀੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਕੁਠਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪਾਵਨ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਸੁਧਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1762 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਤਾ ਦੀਜੀਏ। ਮੈਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਰ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸਕੀ ਹਮਾਰਾ ਜੋ 8ਵਾਂ ਜਥਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਯਾਰ ਬਿਆਸ ਪੁਲ ਸੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਲਾਖੋਂ ਲੋਕੋਂ ਕਾ ਹਮਨੇ ਆਹਵਾਨ ਕੀਆ। ਹਮੇ ਲਗਤਾ
हमारी पूरी तरह कामयाबी होगी। आज वल्ला में हम खड़े हैं, जितनी बड़ी तैयारी की जा रही है, तो गर्मियों की पूरी तरह तैयारी करते हुए जालीदार ट्रॉलीज, उसके बीच में पंखा, पानी का प्रबंध, जो भी जरूरी चीज़ें चाहिए उस तरह की लेकर हम दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। 5 को महिलाएं भी जा रही हैं अकेले किसान? हाँ, महिलाएं भी बहुत सारी जगहों से महिलाएं भी जा रही हैं। तो कितने अकेले अमृतसर से जा रहे हैं और भी लग नहीं, ये अलग कल हमारा अमृतसर का ही जत्था है, बहुत बड़ा, अमृतसर से हजारों ट्रैक्टर ट्राली हो जाएंगे। ये 8वां जत्था अमृतसर का, उसके बाद तरन तारण का जत्था जाएगा। क्या कारण है अभी तक जो आपकी मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही, क्या होगा? हाँ देखिए, नैतिक तौर पे मोदी सरकार मृतकों में तो हार चुकी है, उनका कोई इस तरह का जवाब नहीं है। जिस तरह से देखिए मोदी सरकार पार्लियामेंट में स्वयं मोदी जी बोलते हैं कि हमारे कृषि के कानून अच्छे हैं क्योंकि इसको लागू हो जाने दीजिए, इसका गुण दोष का बाद में पता चलेगा। वही मोदी जी बाद में कहते हैं भी हम 1.5 साल के लिए अंदर खाते, 3 साल के लिए भी हम इसे जो होल्ड करने के लिए तैयार हैं। तो अगर आपके कानून अच्छे हैं तो होल्ड क्यों कर रहे हैं? तो ये आपा विरोधी बयान है, तो इसके लगता है सरकार क्योंकि एक नीति नहीं है। सरकार के ऊपर विश्व पार संस्था का बहुत बड़ा दबाव है जिस नीतियों के लिए सरकार चल रही थी, तो इसलिए किसानों का भी दबाव बहुत है। लेकिन आंदोलन पर हमें पूरी आशा, पूरा देश खड़ा हुआ, इतना बड़ा दुनिया का आंदोलन है, आखिर मोदी सरकार को आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये कृषि के कानून वापस लेने पड़ेंगे। कमेटी का सूबा दफ्तर सकत्तर, असं जिहड़ा वा सवेरे दिल्ली जिहड़ा मार्च वास्ते जिहड़ी तैयारी कर रहे हैं, इस वेले वल्ले पिंड दे विच साडी ट्रालियां दी तैयारी हो रही है। इस तरह पूरे अमृतसर जिले दे विच पिंड पिंड साडी वड्डे पद्धर ते तैयारी करके ते सवेरे जथे लई जिहड़ी आ ओह ट्रालियां कूच करन वास्ते जिहड़ियां साडियां पूरियां तैयारियां चल रहियां वा। असीं अपणियां हज़ारां दी गिनती दे विच अमृतसर गोल्डन गेट तो सवेरे तुरांगे, अगले गाड़ी साडे जिहड़ा वा दित्ता होगा जंडियाला गुरु दे। तरन तारण तो जिहड़ा वा वह भी मार्च में जिहड़ा वा वह भी दिल्ली वास्ते रवाना करूगा। असीं आपो अपनी वारी दे नाल वड्डे पद्धर ते जिहड़ा वा आपो अपनियां साजो समान लेके जो लोड़वंद समान दा उहनूं लै के मौसम अनुसार जिहड़ा वा उहदा प्रबंध करके ते असीं जिहड़ा वा दिल्ली वल कूच करदे आं। इह साडा संघर्ष जिहड़ा लगातार जिहड़ा वा काले कानूनां दी वापसी तक जिहड़ा वा जारी रहूगा। ਚੱਬਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ? ਹਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਪੂਰੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਲਾਈਆਂ ਵਾ, ਕੂਲਰ ਆ, ਆਪਣਾ ਪੱਖਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ  7:30 ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣਗੇ ਬਿਆਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੱਲੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਣੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਚੱਲੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਆ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਖਤਮ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਖਤਮ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਖਤਮ, ਸੰਦ ਖਤਮ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਚਿਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂਨੀ ਰਿੜਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਲੰਮਾ ਕਰਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਪਿਛਾਂ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ 4 ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਵੱਲੇ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਉਤਰਾਂਗੇ 7 ਵਜੇ, 7:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਨੇਤਰਤਵ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਫਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਔਰ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਕਸੀਕਿਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਫ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ
अज 130 करोड़ दे देश दे विच जिन्ना नुकसान थोड़ा नुकसान होया जानी ते माली उहदा सारा श्रेय जिहड़ा है वह मोदी जी नूं जांदा है। विदेशां दे विच अमरीका च बहुत नुकसान होया, यूके च बहुत नुकसान होया, आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बहुत नुकसान होया, कैनेडा नुकसान होया, यूरोपियन यूनियन नुकसान होया, विकसित देशों च नुकसान होया। तो इत्थे मेरे हिसाब नाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नू बेस्ट करोना वॉरियर दा अवार्ड मिलना चाहिए है। और अज पूरी वेंटीलेटर्स दी मैनुफैक्चरिंग और ऑक्सीकिट्स दी मैनुफैक्चरिंग साढ़े भारत च हो रही है, उन्होंने आपदा नू अफसर बनाता और अज तुसी ये देख रहे हो कि आत्मनिर्भर भारत जिहड़ा है इस विपदा चो होके निकलिया। झूठा बजट है जी, मैनीफेस्टो भी झूठा सी। कैप्टन साहब ने उहदे विच गुटका साहब हाथ फड़ के और पवित्र दमदमा साहब वाल देख के झूठी कसम खाधी सी कि चार हफ्ते नशा खत्म कर देंगे, जबकि नशा माफिया नू इस सरकार ने ही पूरी हल्लाशेरी दी। अज राणा गुरमीत सोढी जिहड़ा कि कैप्टन साहब का सज्जा हाथ है, वह शराब की बहुत वड्डी फैक्टरी फाजिलका लगा रहा है और किसानां दी और मजदूरां दी धरती जिहड़ी है उत्थों दी उहदे ते जबरन कब्जा कर रहा है। और उस विषय दे विच कि एक पासे नशा रोको अभियान कैप्टन साहब का, तो एक पासे नशा जिहड़ा है वह एक योजना बनाई लॉकडाउन दे विच कि शराब घर घर तक पहुँचाई जाएगी, ये नशा खत्म करन दा उपराला कैप्टन साहब ने किया। लोगों के विरोध करके वो उन्हां दी युक्ति जिहड़ी सी सफल नहीं हो पाई। इस तरह उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को नौकरी देंगे हर घर के नहीं दी, 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे नहीं दिता, 90,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ़ करांगा नहीं किया। इस तरह स्कूल कॉलेज की खोलने से, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, हस्पताल बंद, सुविधा केंद्र बंद, धार्मिक जी ट्रेन चलाई सी असी और यात्रा करन लई कि जिदे लोग अपने धर्म मुताबक उस स्थानां दी यात्रा वह भी बंद करता। ये तो सरकार एक ताला बन के पंजाब दे भविष्य नूं लग गई जो वोट की चाबी दे नाल खुलेगा और 2022 दे विच ये पंजाब कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू काफ़ी लंबे समय बाद मीडिया सामने आया है, मैं समझना चुनाव का मौसम आ रहा है तो इस करके शायद वह चुनावी लाभ लैन लई वापस आए। मैं कहना कि अज बोले कि अंदोलन तो कदों का चल रहा है, जिहड़ा उन्होंने कहा कि साढ़े कोल उपराले है ने, उपराले गुप्त पेटी जी को बंद करके रखे हुए हैं, पहले वो पेटी क्यों नहीं खोली, वो किस समय की इंतजार कर रहे हैं। अज इन्ने महीनों तो जे कोई ऐसा इलाज सीगा तो इलाज दस देना कि इलाज कहड़ा से उन्होंने गुप्त क्यों रखे है। सर लेकिन कैप्टन साहब काफ़ी बार डिनर मीटिंग रख चुके हैं नवजोत सिंह सिद्धू ना, पर फिर नवजोत सिंह सिद्धू जी मीटिंग है वो सिरे नहीं चढ़ती। नहीं, कांग्रेस डिवाइडेड हाउस है, कांग्रेस एक वंडी हुई पार्टी है, उन्हां दी डिवीजन उन्हां दे मतभेद ही कांग्रेस नूं लै डुबन। श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष बीबी जगीर कौर द्वारा अज अमृतसर के अंतर कमेटी की एक बैठक की गई, जिस दे विच आने वाले 3 मार्च को आगामी बजट सत्र, किसानी मोर्चे और होर अहम मुद्दों को लेकर विचार चर्चा की गई। इस तो बिना श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा किए जाने वाले समागम बारे विचार चर्चा की गई। उन्होंने होर की कहा आओ देखते हैं। आमदन कितों खर्च कितने, ठीक है जी। तीजा है कि जिहड़ी असी उन्हूं कित्थे कित्थे लाउणा, एजुकेशन होया, धर्म प्रचार होया, जां गुरुद्वारियां दे विच डिवेलपमेंट वास्ते होई, इह सारियां चीज़ां जिहड़ियां देखणियां पैंदियां। तो जिहड़े साडे स्कूल कॉलेजेस ने उहदा बजट की है, असी उन्हां नूं किन्ना दिंदे हां स्कूलों कॉलेजों का। देखो साडे दो तरह का बजट बन जाता, एक तो स्कूलों कॉलेजों का, कई बार इस तरह होंगे कि स्कूलों कॉलेजों का मान लो एक 300 करोड़ का बजट है, उसे बिच्चे इनकलूड करके कह दें जी 1900 करोड़ का बजट हो गया। इस बारी असी पूरा मैं तुहानू फोकस करके दसांगी कि कॉलेजों स्कूलों का बजट किन्ना, तो कॉलेजों स्कूलों के असी बजट नू कंपीट करने लई किन्ना देने। सपोज पिछे 23 करोड़ देंदे सी, 25 करोड़ देने, इस बार उन्हां दी मंग की है असी किन्ना देने वह भी दसांगी, और जिन्ना गुरुद्वारियां दे उत्तों आंदा वह भी दसांगी, जिन्ना खर्च हुंदा वह भी दसांगी। खर्च आमदन कित्थों है, वध तों वध कोई दुकानां नहीं, वध तों वध कोई साडी प्रॉपर्टी है,
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਹੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੱਧ ਪਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰੇਲੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅਦਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇੰਨੇ ਕਾਲਜ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇੰਨੇ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਬੋਝ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 8-10 ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਧਾਏ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਇੱਕ ਝੂਮਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਜੋ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਮਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਰਹੀ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ 9-9.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੇਵਾ ਫਲ ਲੇਕਿਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਲੱਖ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫ ਡੀਆਂ ਤੜਾ ਤੜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਭਾਰ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਲੋਕ ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲੇ ਚੱਲਣੇ ਹੈ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜ ਲਿਆ ਕਿ 24, 25, 26, 27, 28 ਫਾਈਨਲ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਜਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੋ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ 25 ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਜੀ 26 ਤਰੀਕ 26 ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਬਰਥ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏਗਾ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲੂਗੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਚਲ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਚਲ ਜਾਣਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬੋ ਵਿਖੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3-3, 4-4 ਦਿਨ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖ ਦਈਏ ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨ ਚੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਗਮ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਹੈ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਪੈਣੇ 23, 24, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੀਆਂ 8 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛਪਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ
फिर भी गुरु तेग बहादुर साहब ने संबंधित भी असी वो तो पैम्फलेट भी बनावे दूजे भी बनावे एक सानू चिट्ठी क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो आई है चिट्ठी पाई सी मैं कि सिक्का तो इनवैलप जारी किया जाए वो चिट्ठी आ गई है सब कमेटी मैं बना दी है कि उन्होंने कहा कि किस तरह का सिक्का की इनवैलप की चाहती है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वो सानू तैयार करके दसे और असी तैयारी करके भेजन लगे हैं। यूएनओ ने कल चिट्ठी लिखी सी यूएनओ ने इसलिए लिखी सी कि ये मानवता लई सारी जीवन दिता गुरु तेग बहादुर साहब जी ने पूरी मानवता वास्ते सुनेहा सी कल्ले हिंदुआ वास्ते नहीं कल्ले सिखां वास्ते नहीं पूरी मानवता वास्ते उन्होंने एक संदेश दिता सी ते मानवता दे करके सब तो सारे संसार दे विचों यूएनओ नू सब तो वड्डा समझा जांदा कि वो ही अपने उस अस्थान दे उत्ते उहदे विच गुरु तेग बहादुर साहब दे इस प्रकाश दिहाड़े नू छान छुक ना मना साडा बजट आ रहा जी ओदियां सिफारशां सब कमेटी वालों जिस तरह सब कमेटी दी आई है कि वह सिफारशां तैयार ने ते ओदी तरीक मिठी जावे ओदी तरीक मिठी है 30 मार्च 30 मार्च नूं बजट का इजलास होएगा उस तो पहला बजट की कापी जिहड़ी है सारे मैंबरां नूं भेज दी जाएगी और सारे बजट के इजलास के जिहड़ी बजट कापी जावे सारे मैंबरां नूं ये बेनती की गई है कि वह बजट तो एक दिन पहला अपनियां लिखती जिहड़ियां सिफारशां होण कोई सोध करन वाली होवे वो उत्थे भेजन तां जो उन्हां दे उत्ते गौर की जा सके घट तो घट एक दिन पहला एक या दो दिन मतलब पहला सानू सिफारशां करके भी जे कितें कोई कमी है कितने कोई सोध करनी पै जाए तो वह बजट की कापी पढ़ के तो सिफारश सानू जरूर करन तां जो असीं उहदे उत्ते गौर कर सकीए। सैकंडली जिहड़ा किसान मोर्चा चल रहा है उहदे च पास किया कि साढ़े बड़े लंबे समय तो उत्थे टेंट लगे हुए है वो टेंटा दा क्योंकि जिहड़ा आने वाला समा वो गर्मी का भी आ गया उत्थे पखे भी लाने पैने है पता नहीं किन्ना लंबा जो संघर्ष चलना उहदे करके टीना दे जिहड़े है वो टेंट पा दिते जाण वो भी शैड जिहड़े है वो टीन दे पा दिते जाण तां जो ये सहूलत जिहड़ी है सारिआं वास्ते सौखी हो सके। तीसरा हरियावल नूं वेखदिआं वातावरण नूं हरियावल कीती जावे उहदे वास्ते वख वख थावां ते उत्ते वध तों वध पौधे जिहड़े क्योंकि बसंत दी बहार जिहदा चल पई है तो आने वाले समय से वध तों वध पौधे भावें लखां दी गिणती च होण भावें किन्नी गिणती च आ जाए तो उहदे वध तों वध अपणीआं जमीनां विच भी ते जिथे भी कितें लोड़ महसूस हुंदी होवे उह लाए जाण। चौथी है कि श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी दा पहले ऐलान कर चुके हैं श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का जिहड़ा प्रकाश उत्सव है उन्होंने चढ़दी कला ना बनाने वास्ते जिते पहला 2 मीटिंगां मैं मैंबरस दी रखी ने 11 तरीकू 13 तरीकू 11 तरीकू सारा जिहड़ा जिले पैंदे है माझा जोन के दुआबा जोन के ये सारे मैंबर साहबान 13 तरीकू जिन्ना भी वो मालवे के मैंबर पैंदे उस साइड उत्ते वो सारे पटियाला की जाऊ। एक हैगा कि अज साढ़े को हरियाणे के मैंबर पहुँच चुके हैं उन्होंने मीटिंग अज होएगी ये साड़ी वित्तीय पोजिशन की है वह भी डिस्कस की जाऊगी साड़ियाँ दरपेश मुश्किल की है वह भी मैंबर डिस्कस की जाएगियाँ आने वाले बजट में असी की करना चाहते हैं की नहीं की हो सकता वो भी किया जाएगा। पिछले समय से असी साल पूरा किहड़ियां चुनौतियों निकले हैं किहड़े किहड़े मुश्किलों का सामना किया तो आने वाले समय से असी उन्हें की हल करने हैं वह भी असी मैंबरां दे नाल सारा डिस्कस करांगे क्योंकि मैंबर साड़ी रीढ़ दी हड्डी है मैंबरस ने लोगों के विचों फीडबैक लैनी होंगी है कि केड़ी गल सानू आने वाले समय से जी है वो चंगी रहेगी ता जो बजट के समय के उत्ते उन्हां चीज़ां नू असी इंप्लीमेंट कर सकीए। सो इस करके बजट तो पहला मैं मैंबरस की वक् वक् मीटिंग करनी जी योग समझी है कि एक तो इन्हां दियां जिहड़ियां होणगियां विचारां जिहड़ियां सोधां जिहड़े कोई सुझाव ते जां साडियां जिहड़ियां मुश्किलां ने कई बार पता नहीं हुंदा मैंबरस नू भी कि साडे की सोर्सिज ने साडी आमदन किस तरह चल रही है साडे गुरद्वारे इस वेले कित्थे खड़े है साडे कॉलेज साडे स्कूल जिहड़े आ कित्थे खड़े है असी पिछले समय दे विच बहुत वड्डे मतलब वित्तीय संकट विच फसे जिहड़े है वो गुरु साहब गुरु रामदास जी दे अस्थान तो ही पैदा पूरे किए जाते हैं। सो वो सारिया चीज़ों नूं असी किस तरह सुधार सकते हैं तो किदा कर सकते हैं वह भी सारिया डिस्कस की जाएगी। एक जिहड़ा
आने वाले समय के एजुकेशन का म्यार जरा उच्चा चुकया जाए वो संबंध में विचारा करा कि जेडे कॉलेजों के साड़ी कोई कमी नज़र आती है स्कूलों से कमी आती है वो सुधार करने वास्ते कोई सब कमेटी अर्थशास्त्री नाल लैके कि साडा वित्तीय जिहड़ा संकट है जां देखो एक गल ते मन के चलना पएगा कि सारे देश में ही सारे संसार ही वित्तीय संकट चल रहा तो ये जिहड़ी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है संगतां ते डिपेंड करती है संगतां ते जे संगत खुशहाल है तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपने गुरुद्वारों के खुशहाली प्राप्त कर लेगी जे संगत ही वित्तीय संकट में हो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अदारे ऑटोमैटिकली डिपेंड करते हैं संगतों के उत्ते सो ये सारिया चीज़ा जड़िया वो सारिया डिस्कस किया जाएगा तो एक जरा खालसा मार्च कह लो श्रीनगर कीर्तन कह लो धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दे इस प्रकाश दिहाड़े मनाते हुए 15 मार्च में इतों नगर कीर्तन शुरू किया जाएगा जरा कि गुरु के महल तो फिर जरा श्री अकाल तख्त साहब जोड़ के गुरु के महल तो शुरू करके पहुँचेगा दिल्ली क्योंकि एक तो पता नहीं किड़े किड़े कोविड करके कि आ जाने सू हदायत आ जा किधर समा चल पैना वो सारे मुख रख के असी फिर यही महसूस किया कि कम से कम एक तो उन्होंने यात्रा के उत्ते असी संगत को आवाज दे के कही कि आओ सारे 1 मई को इत्थे पहुँचो गुरु के महल गुरु साहब जी का प्रकाश होया सी सारे श्री दरबार साहब पहुँचो सारे गुरु की नगरी अमृतसर साहब विखे पहुँचो वड्डे समागम किए जाने हैं वो वड्डा समागम 1 मई को अमृतसर साहब विखे किया जाना उस तो पहला दिल्ली गुरुद्वारा रकाबगंज साहब इतने जाके क्योंकि उत्थे संपूर्णता कितने करते सारे कवर करांगे जी 5-6 दिन का उत्थे समागम जिहड़ा दिल्ली दे विच कवर करांगे वो सारा रूट जिहड़ा तैयार किया जा रहा जिहड़ा इत्थे समागम है 1 मई नूं उस तो पहला जिहड़े शुरुआत कर रहे हैं 16, 17, 18 नूं सब तो पहला समागम जिहड़ा वो गुरद्वारा बाबा बकाला साहब विखे उत्थे वड्डे पंडाल ला के 16, 17, 18 मार्च मार्च क्योंकि शुरुआत करके बड़े समागम करके असं इतने पहुँचना 16, 17, 18 में गुरुद्वारा बाबा बकाला साहब के उत्ते साडे पाठ बोध समागम चल रहे हैं और 16 तरीक न घट्टो घट 5000 सहज पाठ जड़े है चल रहे संगत कर रही असी डिस्ट्रीब्यूट की हुई सैंचियाँ पोथियाँ सारा चल रहा वो 5000 के करीब सहज पाठ से पाठ बोध समागम की समाप्ति जी 16 तरीक न उत्थे की जानी है 17 तरीक न वड्डा समागम माता नानकी जी का क्योंकि पेका पिंड से गुरु तेग बहादुर साहब जी 26 साल 9 महीने 13 दिन अपनी माता के घर में आकर रहे पेके पिंड उत्थे असी वड्डा समागम माता नानकी जी को समर्पित किया कि यह धरती गौरव समझे माण समझे कि इस धरती विचों एडिया वड्डिया मावां ने एडिया वड्डिया महान शख्सियत ने इतों पैदाइश हुई है उस धरती इस तरह है जी कि मेरे को इस तरह होया जी कि चिट्ठी सानू आ गई सी वो ईमेल वो उत्ते क्लोज हो गया सी क्लोज तुहाडी एप्लीकेशन क्लोज कर दी गई पर मेरे को इंटैलीजेंस ब्यूरो वाले अफसर आए सी वो कहन लगे कि देख वो वैसे उन्होंने जिदा बरबली मैंने कहा कि इस बार तुसी विसाखी ते जथा जिदा मर्जी लै जाओ पर पहला उन्होंने वैक्सीनेशन जी है वो लगवा ली जा मैं कहा इससे पहला भी इंजैक्शन लगवाए से सब कुछ किया टेस्ट भी कराए थे पर गल हैगी है कि हुण जद तक असी क्योंकि मंजूरी लवेंगे वो की जवाब देंगे है पर उन्होंने जी गल कही भी अस कि इस बार वैक्सीनेशन जी है वह मस्ट कर देनी है तो अपील कर दो जो श्रद्धालु जाने हैं वो वैक्सीनेशन जरूर लवा लें आई बी वाले कह के गए मैंने सरकार दी आई बी ने कहा मैं कहा सी ना कि बहुत वड्डा रोस है संगत में नहीं होना चाहिए उन्होंने कहा जी कि तुहानू इस बार विसाखी के उत्ते कोई मुश्किल नहीं आनी जथा लै जो पर शर्त यह लग जानी है कि वैक्सीनेशन वो तुसी अपने श्रद्धालुओं को कह सकते हैं वैक्सीनेशन 45 से 60 की की है इसका मतलब 45 साल तो फिर छोटे या बच्चे नहीं जा सकेंगे ये भी फिर इधर नाल ही होगा देखो वो तो हम समा दसेगा ना की कहते हैं जिवे पाकिस्तान ननकाना साहब शताब्दी मनाई गई सानू सदा पत्र आया सी कि श्रोमणी कमेटी पाकिस्तान कमेटी नु इस शताब्दी च शमूलियत लई खुशी होगी
ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਟੂਰਿਸਟ ਸਪੋਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਟੂਰਿਸਟ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਸਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੂਰ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ 'ਚ 200, 400, 500, 700 ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਵਿਡ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦੇਣ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪੱਖੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਣਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨੀ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਜਗਰ ਜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸੱਦਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕਾਰਡ ਛੱਪਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਾਰਡ, ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ 16, 17, 18 ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਓ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਸਦਕੇ ਆਓ, ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿਲਾ ਸਕਦੇ ਐਜ਼ ਏ ਡਿਵੋਟੀ, ਐਜ਼ ਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਐਜ਼ ਏ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਢਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੰਗੜੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜੀ ਕੋਹੜ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਹੜ ਪਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਬਜਟ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ।